हे गाइस, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस पास्ता बनाने की रेसिपी लाई हूँ, वो भी बहुत कम समय में। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन चढ़ाया और बर्तन के अंदर मैं 2 ग्लास के करीब पानी डाल दूँगी। आप जितना पास्ता बनाए उस हिसाब से पानी डाल दें और हमें यहाँ पे पानी उबलने तक इंतज़ार करना है। और पानी उबलने के साथ ही हमें 1/2 चम्मच के करीब नमक और हमें 1 चम्मच के करीब यहाँ पे तेल डालना है, जिससे ये होगा कि जब हम हमारे जो कच्चे पास्ता है वो इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास्ता बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप ये ट्रिक ज़रूर करें। तो अब हमारे पास्ता प्रॉपर स्मूथ हो गए हैं और उबल भी गए हैं। तो अब हमने छलनी में हमारे पास्ता निकाल लिए और ठंडे पानी से हम एक बार हमारे गर्म पास्ता को वॉश कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ाया और पैन के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी इस पैन में। तो अब हमारा तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच के करीब राई डाली है और राई अच्छे से तड़क गई है हमारी। और 1/2 ही चम्मच के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इन दोनों को हम अच्छे से तड़कने देंगे, तब आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा तड़का आ चुका है। तो अब हम हमारी जो चॉप्ड वेजिटेबल्स है वो इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और हरे धनिया को बारीक कट कर लिया है। आप जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो इनको डालने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमें इन वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है और उसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1/2 ही चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 ही चम्मच के करीब मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। मसाले आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते। तो मसालों को मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं यहाँ पर जो पिज़्ज़ा बेस की जो सॉस होती है, चटनी, वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, इससे जो हमारा पास्ता है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चटनी डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर दिया और अब मैं यहाँ पे ये हल्की सी सॉस डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी सॉस अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर इसमें डाल दें और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हमारे यहाँ पे ये सब्जियाँ हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हमारा जो बॉयल पास्ता है वो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे पास्ता को मसालों और वेजिटेबल्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हमारा बारीक कटा हुआ जो हरा धनिया है वो हम इसमें डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें इस समय लो रखना है क्योंकि हमारा पास्ता लगभग यहाँ पर बन चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे और मैं आपको पास्ता प्लेट में सर्व करके बता देती हूँ कि हमारा पास्ता कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। आप पास्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। एंड थैंक यू।